राजमहल माघी पूर्णिमा के अहले सुबह से ही राजमहल उत्तरवाहिनी मां गंगा घाट पर गंगा स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे आज माघी पूर्णिमा के दिन गंगा घाट पर आदिवासी समाज का महाकुंभ कहलाने वाले मेले में हजारों की संख्या में आदिवासी पुरुष महिलाएं बहती गंगा में स्नान ध्यान कर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। गंगा घाट पर इनके द्वारा विधिवत की जाने वाली पूजन अपनी संस्कृति को याद दिलाने से पीछे नहीं हटती। श्रद्धालु बताते हैं माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यही कारण है अहले सुबह से ही राजमहल उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई एक लोगों का ये भी कहना है माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही धन वैभव सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होने की बात कही। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंगा घाट पर जगह जगह बैरिकेडिंग भी देखने को मिली। आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन की अगुवाई में राजमहल उत्तरवाहिनी गंगा पर किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो इसके लिए घाटों पर गोताखोरों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। बता दें अब की राजमहल उत्तरवाहिनी गंगा में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी गंगा स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना की। ब्यूरो चीफ आनंद भगत के साथ तापोष गांगुली की रिपोर्ट। आज वास्तव में जो कलम हमने जिला अध्यक्ष को और पूरी जिला यूनिट को मैंने टेलीफोन करके ही बता दिया था, क्योंकि यही लोगों ने हमको निमंत्रण दिया था कि 16 तारीख को माघी पूर्णिमा है। हम बहुत पहले जब सीएम थे 2001 में 8 फरवरी को मनाया तो सबों ने हमें याद कराया और 16 तारीख को माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान के लिए ही सचमुच में आज हम आए। और मैं कह सकता हूं कि 16 वर्षों के 16 क्या कहते हैं 20 साल हो गए, 20 वर्षों के बाद आए बहुत ही आनंद आया। कार्यकर्ता के साथ श्रद्धालु भक्तों के साथ गंगा की नदी पर गंगा पर स्नान करने का अवसर मिला और मैंने कुछ देखा, लोगों से भी मैंने बात की कि जो लोग श्रद्धालु प्रत्येक साल जो आते हैं गंगा पर स्नान करने के लिए माघी पूर्णिमा का, हमने उन लोगों से दिक्कतों के बारे में भी पूछा कि उनको क्या क्या तकलीफ हो रही, वो क्या और सुधार चाहते हैं सरकार को से और क्या करना चाहिए। तो एक तो लोगों ने ये कहा कि भाई रहने वगैरह की दिक्कत होता है, घाट ठीक प्रकार से सभी जगहों पर बना हुआ नहीं है, फिर लाइटिंग वगैरह के भी उस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, तो लोग थोड़ा सा दुखी दिखे। मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से राज्य सरकार से भी हम बात करेंगे और केंद्र सरकार से भी हम बात करेंगे कि जो साहेबगंज से राजमहल तक गंगा का किनारा एक तो पथवे बन जाए यहां से वहां तक ताकि लोग आना आ जा सके, फिर लाइटिंग की भी व्यवस्था हो सके और घाट का भी निर्माण हो ताकि जो श्रद्धालु भक्त जन आते हैं तो गंगा में वो स्नान कर सके, डुबकी लगा सके। इस पर निश्चित रूप से अपने ऐसे प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो सुधार होगा, अच्छा होगा, क्योंकि गंगा पर शुरू से ही हमारी एक नजरिया रहा है। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।